हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताना सीखेंगे कि फोटोशॉप में आप फेस लोगो किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इस टाइप का अगर आपको लोगो डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ योर फेस, तो आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ओपन करना है एक आपकी इमेज जिसको आप चाहते हो लोगो में क्रिएट करना, तो ओपन करें और इसको फिर आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जितना पार्ट अगर आपका सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसे पॉलीगन पे जाएं और पॉलीगन की हेल्प से आप उस पार्ट को सेलेक्ट कर दे पॉलीगन लेसो टूल से। किसी भी टूल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपका कंप्लीट सिलेक्शन के बाद आपको करना क्या है, आप यहाँ पे एक लेयर मास्क बनाएं और लेयर मास्क बनाने के बाद एक न्यू लेयर को यहाँ पे क्रिएट करें। न्यू लेयर को क्रिएट करने के बाद इस लेयर को नीचे ले आए और इस लेयर को ब्लैक कलर से फिल कर दें। अगर मेक श्योर कि आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए। मान लो आपके फोरग्राउंड कलर कोई डिफरेंट डिफरेंट कलर है, अगर आप चाहते हो कि इनको व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट करना, तो आप कीबोर्ड से डी प्रेस करें तो आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक एंड बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर को सिलेक्ट करना है, अल्ट प्लस डिलीट प्रेस करें तो आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा। अब आपको प्रेस करना है शिफ्ट होल्ड करके दोनों को सिलेक्ट करना है और या तो राइट क्लिक करें आप यहाँ पे और इसे कन्वर्ट कर दे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, या फिर आप इस थ्री एरोज पे क्लिक करें और इसे कन्वर्ट कर दे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इसको करने के बाद आपको करना क्या है, आप यहाँ पे फिल्टर पे जाएं, ब्लर पे क्लिक करें और गॉशियन ब्लर आप यहाँ पे यूज करें। गॉशियन ब्लर अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ ब्लर आ जाएगा। अब ये ब्लर कितना रखना है ये आप पे डिपेंड करता है आपकी इमेज की शार्पनेस पे। सभी इमेजेस के लिए अलग अलग गॉशियन ब्लर आप यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको मान लो 3 रख रहा हूँ यहाँ पे एंड ओके करें। ओके करने के बाद आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इमेज पे जाना है, एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है और थ्रेशोल्ड यहाँ पे यूज करना है। अब जब थ्रेशोल्ड यूज करोगे तो आपका इमेज कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा ब्लैक एंड व्हाइट में। आप थ्रेशोल्ड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 128 है, आप इसे कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इमेज। अब ये चीज डिपेंड करता है कि कितना आपको कम करना है। जितना भी आपको लगे कि अब मेरी इमेज यहाँ पे अच्छी लग रही है और इतने की ही मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके किया, मान लो अब अगर मेरे को चाहिए कि नहीं मेरे को गॉशियन ब्लर नहीं चाहिए, तो आप हाइड इसको ऑफ करेंगे तो इस तरीके से आपका इफेक्ट आएगा। ऑन कर सकते हैं या फिर इस पर डबल क्लिक करके आप इसकी वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपका थ्रेशोल्ड का इफेक्ट भी यहाँ से चेंज होगा। तो ये आपको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग करके देखना है कि कितना मेरे को चाहिए। तो मैं अभी के लिए इसे 3 रखता हूँ और थ्रेशोल्ड को यहाँ से डबल क्लिक करके थोड़ा सा बस इतना मेरे को अब सही लग रहा है। ओके, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक और न्यू लेयर लेनी है, इसको नीचे लेके आना है और इसको फिर से आपको ब्लैक कलर कर देना है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपका कैनवस का जो साइज है वो भी आपको थोड़ा सा बड़ा करना है। कैनवस साइज को बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, इमेज पे क्लिक करें, कैनवस साइज पे क्लिक करें और यहाँ से मैं परसेंटेज में इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने कर दिया 140 एंड ओके। अब आपका कैनवस साइज आपका देखो यहाँ पे बड़ा हो गया। साइज बड़ा होने के बाद लेयर को सिलेक्ट करें और कंप्लीट को फिर से अल्ट प्लस डिलीट की हेल्प से आप इसे ब्लैक कर सकते हैं। क्लियर। अब ब्लैक करने के बाद अब मुझे इतना पार्ट जो अनवांटेड पार्ट है वो मेरे को नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप एक और न्यू लेयर ले यहाँ पे और इसे सबसे ऊपर ले जाए और इसको आप यहाँ पे अब पेंसिल की हेल्प से पेंसिल को सिलेक्ट करें और मेक श्योर कि पेंसिल की हार्डनेस 100% हो और ओपेसिटी भी 100% हो। साइज को मैं अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। साइज को तो मैं एरो से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, जो आपके कॉलम्स वाले एरो होते हैं बटन्स होते हैं, और उसके बाद आप इसे अपने अकॉर्डिंग अपनी चेंज करें कि जितना पार्ट आपको नहीं चाहिए वो पार्ट आप यहाँ से हटा सकते हैं। क्लियर है। अब मान लो मेरे को सिर्फ इतने ही पार्ट की रिक्वायरमेंट, इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे हटाया, देखो तो इस वाली लेयर पे आपका ये वाला पार्ट आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, अब तीनों को सिलेक्ट करें, दोबारा से शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करें और दोबारा से कन्वर्ट कर दे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। क्लियर है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक और लेयर यहाँ पे लेनी है और इसको नीचे रखना है और अब इस लेयर को कंट्रोल प्लस डिलीट की हेल्प से व्हाइट कलर कर देना है। अब इसको व्हाइट कलर करना है। अब आपको पॉलीगन पे जाना है, यहाँ से पॉलीगन लेना है और यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ साइड्स आप 3 रखेंगे। 3 रखने के बाद आप यहाँ पे जाएं और इसको एक शिफ्ट प्रेस करके एक ट्रायंगल बनाएं
तो आप देखोगे आपका एक ट्रायंगल बनेगा, और यहीं पे आप स्पेस को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो आप अपने ट्रायंगल को मूव कर सकते हैं कि आपको जहां पे भी ट्रायंगल को प्लेस करना है। अब मैं ट्रायंगल को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। मेक श्योर आपका फिल कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे और स्ट्रोक कलर हम यहाँ पे नन रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल आ जाएगा और इसको सबसे ऊपर रखेंगे हम लेयर को, और ऊपर रखने के बाद हम कंट्रोल प्रेस करके इसके इस आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि वो सिलेक्शन आ जाए, और उसके बाद इस पॉलीगन को हम डिलीट कर दें। ये सिलेक्शन आपका इस लेयर 2 पे आएगा और इसको हम कर देंगे हम लेयर मास्क। यहाँ पे लेयर मास्क पे क्लिक करें तो इस तरीके से आपकी इमेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद इसके ऊपर का ट्रायंगल एक और बनाना है, तो उसके लिए मैं दोबारा से पॉलीगन टूल लूंगा, सेंटर में दोबारा से जाऊंगा, शिफ्ट प्रेस करके एक और ट्रायंगल बनाऊंगा, स्पेस प्रेस एंड होल्ड करके मैं इसको मूव करूंगा जहां पे मेरे को मूव करना है, एक प्रॉपर इक्वेशन में मेरे को प्रॉपर प्रोपोर्शन में मेरे को मूव करना है, और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। प्लेस करने के बाद स्ट्रोक की थिकनेस मेक श्योर फिल आपका 0 हो, नन हो फिल, और स्ट्रोक मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का रखा, और स्ट्रोक का साइज मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ जितना मेरे को ये ठीक चाहिए। अब आपका इतना पोर्शन बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेक्स्ट टूल लेंगे, और टेक्स्ट के लिए मैंने राउंड स्टाइल डेको यूज किया है, और आप भी यूज कर सकते हो ये वाला फॉन्ट। और यहाँ पे हम ब्लैक कलर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पे नाम लिखेंगे जैसे TWPAK वर्मा। करने के बाद शिफ्ट और अल्ट की हेल्प से हम इसके साइज को भी छोटा कर सकते हैं, और फिर हम इसे मूव करेंगे मूव टूल की हेल्प से, इस तरीके से इसे हम जहां भी प्लेस करना होगा एरो की हेल्प से भी ऊपर नीचे करके प्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर है? साइज हल्का सा और बड़ा करना है तो आप हल्का सा और साइज को बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लोगो का साइज थोड़ा सा बड़ा करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाए, इस जो आपका लिंक है इसे अनचेक करें, इमेज को सिलेक्ट करें, और शिफ्ट प्लस अल्ट प्रेस करके आप इसे इंक्रीज करोगे तो ये लोगो का साइज भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो कितना आपको कहाँ पे रखना है। फिनिश करें। फिनिश करने के बाद अब आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करें और पॉलीगन को, अब मेरे को बैकग्राउंड ये पूरा ब्लैक करना है तो उसके लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करें, पॉलीगन के यहाँ पे क्लिक करें, इस आइकन पे आपका सिलेक्शन आएगा, सेलेक्ट पे जाना है, मॉडिफाई पे क्लिक करना है, अब कॉन्ट्रैक्ट पे आपको क्लिक करना है, आप कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाई आप 2 करें, ओके करें। अब आप क्या करें, सिलेक्शन को एज इट इज रहने दें, चारों लेयर को शिफ्ट प्लस करके सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस जी से इसको एक ग्रुप के अंदर डाल दें। इस ग्रुप को आप यहाँ पे क्या करें, सिलेक्शन करें, एड लेयर मास्क करें, आपका लेयर मास्क आएगा, एक न्यू लेयर लें और उसको नीचे ले आए यहाँ पे, और इस लेयर को कम्प्लीटली आप अल्ट प्लस डिलीट की हेल्प से ब्लैक कर दें। तो इस तरीके से आपका लोगो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब इसके साइज को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करें और यहाँ पे जाएं, आप विड्थ एंड हाइट को, रिजोल्यूशन को यहाँ से चूज करें, 100 pixels आप यहाँ पे चूज करें, 100 pixels आप यहाँ पे चूज करें, और यहाँ पे 300 pixels पर इंच का आप रिजोल्यूशन रख सकते हैं, एंटर प्रेस करें, फिनिश करें, तो आपका इस तरीके से लोगो का यहाँ पे साइज आ जाएगा। और भी अगर आपको साइज को चेंज करना है तो दोबारा से क्रॉप करके अल्ट प्रेस करके आप इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको लोगो का यहाँ पे साइज चाहिए। तो इस तरीके से आप फेस लोगो को क्रिएट कर सकते हैं इन फोटोशॉप। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।